हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ विद नोनी कुड़ीज। तो आज जो तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है, वेदर भी चेंज हो रहा है और थकान की वजह से भी, तो यस, बाकी की नोनी कुड़ियाँ जितनी भी हैं ऑलमोस्ट सब का आज व्रत भी है। एंड लेट्स सी आज दिन भर में हम लोग क्या करते हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। सो भूख लग रही थी तो क्या बना, वी हैड प्लेंटी ऑफ राइस। आंसू इसलिए नहीं क्योंकि आंसू इनकी वजह से हद से ज़्यादा मुझे रोना आता है जब भी प्यास कटती है। तो मौसम बढ़िया हो रहा, थोड़ा सा धूप ऐसे निकली एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस कि रोशनी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा धूप की गर्मी नहीं, बट ये रोशनी बहुत अच्छी लगती है। सो अभी बनाते हैं फिलहाल फ्राइड राइस, थोड़ा खाते हैं और फिर देखते हैं अभी आगे की दिनचर्या कैसी रहेगी। बन रहे हैं हमारे फ्राइड राइस जब तक, और इधर मैडम फेंट रही हैं कॉफी, इनकी गुड मॉर्निंग अब हुई है अच्छे से। नहीं गाइस, मैं 6:30 बजे की उठी हुई हूँ। हाँ, आज काकुल का और अन्नी का रूबी का व्रत है, तो नहा धो के मंदिर जाके अच्छा बेटा बन कर बैठूं। फ्राइड राइस बन चुके थे तो इधर हम हो गए हैं तैयार, इधर बाकी काकुल बहन भी तैयार हो गई हैं, और प्लान अचानक से बन गया था क्योंकि हम जा रहे हैं आज ट्रैम्पोलिन पार्क। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम? तो यस, हम तैयार हैं, अब हमारी कैब आ गई है, हम बस जा रहे हैं नीचे। ये लड़कियां पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी। क्या भाई, बड़ी अच्छी लग रही हो, कहाँ जा रही? ये मैंने नंदू को पे फोन करके दिखाया ना। चलो के पैन हम दोनों पहुंच गए हैं यहाँ पे, और बाकी की लड़कियां हैं अभी आ नहीं रही है, रास्ते में है, उनको भी अभी आना है। आज मजे करेंगे ट्रैम्पोलिन पार्क में। घर से इन बिटवीन हम गए थे न्यू यू में यहाँ ट्राई करने के लिए एक लिप शेड, जो कि हमें बहुत पसंद था। आइका का एक वंडर पफ उसमें आता है एंड दे हैव एन अमेजिंग न्यू शेड, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। सो दे वर ट्राइंग टू शो कि उनके पास और भी ब्रांड्स में थे, बट वो कलर वैसे उससे इतने ज़्यादा नहीं थे जो मुझे चाहिए था। सो वी आर स्किपिंग। सो आज हम लोग जा रहे हैं स्काई जंपर को बनाना। ये जगह का नाम है, एक ट्रैम्पोलिन पार्क है। ऐसे ही मूड कर रहा था बहुत टाइम से कि हम लोग जाएंगे, बट फिर अभी बीच में रमज़ान था, होली पड़ गई थी, तो सब लोग अपने अपने जगह पर थे, बट नाउ हियर इट इज गाइस, वी मेड अ बूबू गाइस। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम यहाँ पे आ गए एंड देन वहाँ पर जाके पता चला कि जो एज लिमिट है दैट इज़ फॉर टिल 13 ईयर्स। अब हम इतने माना हम यंग लगते हैं, 13 साल तक के तो नहीं लगते। बहुत ज्यादा मन के साथ आए थे, बट गलती हो गई। अनफॉर्चुनेटली 13 साल के नहीं है। गलती हो गई, हरकतें हमारी हैं, बट वो हरकतों पे नहीं, वो एज पे एक्चुअली जा रहे थे। तो वी आर 13 बाय हार्ट, यस, बट नॉट बाय एज एंड नॉट बाय हार्ट। तो हाँ, मौसम इस टाइम पे लिटरली बहुत अच्छा हो रहा है, तो चलते हैं सेक्टर 75। कटने के बाद अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं, यस, यहाँ पे बहुत सारी फोटो क्लिक करवाई हैं, देन अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ तक आ गए थे तो कुछ तो करना ही था, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, देखते हैं तो मिलते हैं अभी। हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 75 वहाँ के ट्रैम्पोलिन पार्क में। आई थिंक वहाँ पे 13 साल से ऊपर अलाउड है, वरना 13 साल की बन जाएंगे। 13
क्या साल, बुद्धि हमारी वैसी बनाई है, बनी है दिल से भी बुद्धि बनाई लेंगे। चलो सी यू गाइस देयर। पर कुछ भी कहो मजा से फोटो में आता है जब हवा मुंह पे पड़े, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। यस, ऐसे चमाट मार के जाइए चैट हवा। तो पहुंच गए हैं हम, दिस इज नोएडा स्पेक्ट्रम मॉल सेक्टर 75। और दीदियों आज मेसमराइज्ड हैं क्योंकि हम ये मतलब ऐसा छूट गया था हमसे, तो बहुत ही बड़ा है। सो आई थिंक यही वो जगह है जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ देखने के बाद हम सब ने डिसाइड करा कि हम नहीं जाने वाले, एक वेस्ट ऑफ मनी होगा। 600 है एक घंटे का और 400 फॉर हाफ एन आवर, बट बहुत छोटा रहना है इनका ये जो जगह है जहाँ पे, और इतना कुछ है भी नहीं फन जो हमें लगा था। तो हमारा इन शॉर्ट आज कट गया है शॉर्ट गाइस, हमारा फिर से कट गया यार। कोई बड़ा है क्यों नहीं यहाँ पे, दोनों गए कहा कुछ आपको देखना ही है ना, तो आप ऐसे ही देख लो, हमें कूदते हुए देखना तो नहीं जरूरी आपको। बट सीरियसली ऐसी बहुत छोटी जगह है यहाँ पे और कोई भी ज्यादा एक्टिविटीज के लिए नहीं है। हाँ तुम खाओ वो दिन। आज का हमारा कैसा था आप सभी को पता चल रहा है। जो सोचा था बिल्कुल वैसा तो नहीं जा रहा, एंड ये यंगेस्ट सोनी को इधर उधर घूम रही है। तो अभी सोच रहे हैं कि कुछ ठंडा खा ले, तो आइसक्रीम खा रहे हैं, ये लोग नहीं खा सकते इनके व्रत है, तो फिलहाल हम खाते हैं ये सर आइसक्रीम। गाइस यहाँ पे गाने बज गए, अब काकुल का बहुत मन है नीचे जाने का। ये वो आइसक्रीम जिसको मैं कभी नहीं खाना चाहती, रूबी यार, रूबी की याद आ रही है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मिठास, बोला गया ऐसा कि यहाँ पे व्रत का खाना ही मिल जाएगा, तो अन्नी के लिए आई थिंक मिल जाए, ये लोग भूखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, और रूबी मैम का भी क्योंकि वो ऑफिस से डायरेक्टली यहीं आएंगी। भूख लग रही है गाइस, ये नोनी गुड़ी आ गई है। दूसरी बार भी कट गया है, फिर आ गए इन लोगों के पास के चक्कर में मिठास मिठाई के लिए। खाना पीने के व्रत का बहुत ही ज्यादा खराब खाना मिला था, साबुदाने की टिक्की वॉल्स बहुत ही गंदी थी, अन्नी को एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। खाना जैसे बनाती है वैसी होगी, उस उम्मीद में मैंने मंगा लिया, और फिर जो हमारे साथ भूखा हुआ है पहले, तो उसने उसके ऊपर पूरी दही चटनी सब 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 डाल दी, जिसके लिए मैंने उसको बोला कि मुझे टिक्की चाहिए, तो उसने बोला मैम ये चाट है, फिर उसने टिक्की दी जो बिल्कुल फीकी थी, नमक तक भी नहीं था उसमें, और गाइस उसको बाइंड करने के लिए आलू डलता है, उसने पनीर डाला हुआ था। कोई नहीं, ओवरऑल कुछ अच्छा खास था नहीं, भी घर जा करके देखते हैं शी कैन हैड समथिंग। हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे उस दिन ये मैडम गई तो थी, बट हम नहीं जा पाए थे। बहुत थक गई हो? हाँ, बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि सारी की सारी नोनी गुड़ियास अंडर द सेम रूफ, और हम सोच रहे हैं हम चेस खेलें यहाँ पे, नट अकेले, कोई ना कोई तो खेलेगा यार मेरे साथ। ओके ठीक है चलो मैं चलती हूँ। टेस्टिंग मैच इस टाइम पे चल रहा है रूबी मैम और मेरा। और आपके आते ही ऐसे बार बार पूछ चुके।
तो यहाँ पे कॉफी वगैरह पीने के बाद हमने पैक करा लिया था पास्ता, अब हम घर जाके इसे खाएंगे। और बाकी ये दीदी ऑलरेडी अपनी कॉफी पी चुकी है। इनके गाइस के पास स्टॉपेज लग गया। हाँ आप कंटिन्यू करिए, ठीक है आप दफा होइए। चलिए साउथ दिल्ली के मारेंगे ना, अपने घर के पास वाला एरिया दिखाएं। तो घर फिलहाल हम आ चुके हैं और बाकी के सारे लोग पता नहीं इतने ज्यादा आजकल अपने में मगन है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इन चीजों पर। तो आने के बाद हम लोग फिलहाल थोड़े से लड़ाई दंगे के मूड में थे, मेरे लग गई है चोट, अभी मैं बर्फ से थोड़ा सा ठंडा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें पकड़ लो। और गाइस आज के लिए इतना ही, हमारा दिन बहुत बढ़िया था। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, नोनी गुडीज़।